यार वहाँ देख क्या किस्मत है मोटा का, कैसे एंजॉय कर रहा है। काश वो लड़की मेरे साथ होती। क्या तेरे साथ? तू एंजॉय करेगा जोरू का गुलाम? यार ऐसा मत बोल। हाँ हो सकता है मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जोरू का गुलाम हूँ। हाँ तू अपना बीवी से प्यार इसलिए करता है क्योंकि वो तेरा खर्चा उठाती है। तो क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। यार मेरी बातों का बुरा मत मानना, एक दूसरे तक तो ठीक है, मगर क्या कभी तूने जानने का कोशिश किया है तेरे वाइफ क्या काम करती है? यार ये कैसा सवाल है, छोड़ ना इन सब बातों को, चल विशाल के पास चलते हैं। हाँ चल। विशाल ये कैसा पार्टी है, तू अकेला एंजॉय कर रहा है और मेरा क्या होगा? अच्छा तुझे भी एंजॉय करना है? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। रानी क्या हुआ सेठ? क्या हुआ सेठ? रानी मेरे दोस्त को एंजॉय करना है, इसे रूम में लेकर जाओ और ध्यान देना किसी भी चीज की कमी ना रह जाए। ओके सेठ। जा जी ले अपनी जिंदगी। थैंक यू यार। चल ऊपर। यार मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी दिल चाहता है कुछ मेरे बारे में भी सोच। अच्छा साफ साफ बोल के तुझे भी एंजॉय करना है, जा ले जा इसे। बेबे मेरे दोस्त को ऊपर लेकर जाओ। पहले बाथरूम चले, हम दोनों मिलकर साथ में नहाएंगे। रानी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो? हाँ क्यों नहीं, एक मिनट। ये लीजिए मेरा कार्ड, अगर कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो एक कॉल कर देना। इतना सारा कार्ड किस लिए? बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं, उनके प्राइवेसी के लिए मुझे कार्ड रखना पड़ता है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। बीवी लोग हमेशा मोबाइल पे नंबर चेक करती है, वॉलेट पे रखा कार्ड नहीं, इसीलिए मैं सब क्लाइंट को अपना विजिटिंग कार्ड देती हूँ। तुम्हारा आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा रानी अब मुझे चलना चाहिए, बहुत लेट हो गया है। आपका कपड़ा? नीचे स्विमिंग पूल के पास वाले रूम में रखा है।
आप सारे दिन कहाँ थे और आपका फोन स्विच ऑफ क्यों था? सब कुछ बताता हूँ, पहले मुझे आराम से बैठने दो। आप कुछ बोलेंगे या मैं ही बोलना शुरू करूँ? अरे मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, आज सारा दिन मेरा इंटरव्यू देने में लग गया। ऊपर वाला जाने, तुम इंटरव्यू दे रहे थे या और कुछ कर रहे थे? तुम शक कर रही हो मुझ पर? छोड़ो यार, तुम औरतों को समझाना बहुत ही मुश्किल है। अब मेरा मुंह मत देखो, जाओ एक कप चाय लेकर आओ। आपको याद है आज कौन सा दिन है? आज फ्राइडे है। क्यों, क्या हुआ? अब बैठकर मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ एक कप चाय लेकर आओ। शादी से पहले उनको हर एक चीज याद रहता था और आज मेरा बर्थडे, उनको ये भी याद नहीं। मैं तो इस घर के नौकरानी बनकर रह गई हूँ। सारा दिन ऑफिस में काम करो और घर आकर रात में इनका सेवा। आखिर आज है क्या, पूजा इतने गुस्से में क्यों थी? ओ शिट, आज तो पूजा का बर्थडे। हेलो भाई साहब, एक पाउंड चॉकलेट केक, हैप्पी बर्थडे पूजा लिख देना, मैं आपको एड्रेस व्हाट्सएप करता हूँ। ओके सर। आई एम सॉरी पूजा, गुस्से में मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया। कोई बात नहीं, छोड़िए मुझे, चाय गिर जाएगा। अब अपना मूड ठीक करो, सॉरी बोला ना बाबू। इस वक्त कौन हो सकता है? तुम आराम करो, मैं देखता हूँ। वाह, आप तो बहुत जल्दी आ गए। सर, हम लोगों को तो डिलीवरी का टाइम मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए टाइम से पहले ही चला आया। ये लीजिए सर। 1250? जी हाँ सर। एक मिनट। ओके सर। पूजा के पर्स में इतना सारा विजिटिंग कार्ड? इतना सारा कार्ड किस लिए?
बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं, उनकी प्राइवेसी के लिए मुझे कार्ड रखना पड़ता है। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। बीवी लोग हमेशा मोबाइल पे नंबर चेक करती है, वॉलेट पे रखा कार्ड नहीं, इसीलिए मैं सब क्लाइंट को अपना विजिटिंग कार्ड देती हूँ। ये लीजिए। थैंक यू सर। यार मेरी बातों का बुरा मत मानना, एक दूसरे तक तो ठीक है, मगर क्या कभी तूने जानने का कोशिश किया है तेरे वाइफ क्या काम करती है? थैंक यू सो मच। अच्छा मैं तुमको बाद में कॉल करती हूँ। रोहित तुम्हें याद था आज मेरा बर्थडे? इतना सारा विजिटिंग कार्ड किसका है? मुझे क्या पता ये कार्ड किसका है, आप लेकर आए हैं आप ही ना जानेंगे। पूजा ज्यादा नाटक करने की कोशिश मत करो, मुझे ये कार्ड तुम्हारे हैंड पर्स से मिला है। छी, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी हद तक गिर सकती हो। रोहित ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं सच बोल रही हूँ, ये कार्ड मेरा नहीं है। मुझे खुद नहीं पता ये कार्ड मेरे हैंड पर्स में कहां से आया। बस और झूठ मत बोलो पूजा, मुझे अच्छी तरह से पता है ये कार्ड सिर्फ धंधे वाली लड़कियां यूज करती हैं। रोहित तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लो आ गया तुम्हारे क्लाइंट का फोन, रिसीव करो और हाँ लाउड स्पीकर में बात करना। पूजा मैं श्वेता, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू श्वेता। अच्छा पूजा मेरी बात ध्यान से सुन, आज ऑफिस में बॉस ने मुझे कुछ विजिटिंग कार्ड दिया था, वो मैंने गलती से तेरे पर्स में रख दिया, कल जब तू ऑफिस आएगी प्लीज यार वो विजिटिंग कार्ड लेकर आना। क्या वो कार्ड तूने रखा था? हाँ यार मैंने ही रखा था। अच्छा ठीक है कल मैं ऑफिस लेकर आऊंगी। थैंक यू पूजा। अच्छा गुड नाइट। बाय। गुड नाइट। बाय। पूजा मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं माफ करने वाली कौन होती हूँ रोहित, माफ तो तुम्हें वो करेगा